गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। तो स्टूडेंट्स, ये वाली जो आज क्लासेस हैं प्यूरोपोडा और सिम्फाइला, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लासेस हैं प्यूरोपोडा और सिम्फाइला। ये इकट्ठी हैं, इतने डिटेल इसमें नहीं है आपकी बुक में। तो ये इसके जस्ट 4 to 5 पॉइंट्स हैं एक क्लास की। तो स्टूडेंट्स, प्योरस मीन होता है स्मॉल, प्योरस मीन स्मॉल, और पोडस मीन फुट। इसमें पोडा, पोडिया, पोडस, ये सारी एक ही चीज, यानी इन सब का क्या मीनिंग है? फुट, स्मॉल फुट। प्यूरोपोडा क्या? स्मॉल फुट। सॉफ्ट बॉडी विद 11 सेगमेंट, इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है और इसके सेगमेंट्स कितने होते हैं? 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टेन, 11, ठीक हो गया। तो इनकी सॉफ्ट बॉडी होती है, सेगमेंट्स इसमें कितने होते हैं? 11, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये रहते कहाँ पे हैं? इनका लिविंग प्लेस कौन सी होती है या ऑक्यूपेशन का कहाँ है? फर्स्ट फ्लोर लिटर पे, ईट फंजाई ये खाते हैं, ये ह्यूमस पे या ऑर्गेनिक मैटर पे रहना ज़्यादातर पसंद करते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अगर हम बात करें इनके अंदर, तो इनके अंदर सादा डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन क्या होती है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन, मॉलिक्यूल की ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट को हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये गैसेज एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, ये सारे अपने काम डिफ्यूजन से ही करते हैं। ठीक हो गया। तो ये बातें थी आपकी प्यूरोपोडा आगे वाले से। सिम्फाइला, सिम कहते हैं सेम को, फाइलोस मीन लीफ, यानी सेम लाइक अ लीफ, लीफ की तरह, पत्ते की तरह, जैसे ये पत्ता है स्टूडेंट, ये देखिए ये पत्ते की तरह के होते हैं। इन इतने स्मॉल होते हैं, ये 2 to 10 नैनो मिलीमीटर के होते हैं, मिलीमीटर 10 की पावर -3, ठीक है, मिली का मतलब 10 की पावर -3, यानी 1 का 1000वां हिस्सा। तो ये स्मॉल होते हैं 2 to 10 मिलीमीटर। तो इनको गार्डन सेंटीपीड्स भी कहा जाता है, क्योंकि जस्ट लाइक लीफ, तो इनको गार्डन सेंटीपीड्स कहा जाता है। ठीक हो गया। इनके अंदर आईज नहीं होती, लेक आईज एंड 12 लेग्स वेयरिंग सेगमेंट, इनमें सेगमेंट कितना होता है? 12 होते हैं, और इनमें आईज नहीं होती। स्टूडेंट, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये ऐसे लगते हैं जैसे पत्ता है, तो अचानक आप इसको देखेंगे तो चलने लग जाएगा, तो आप सोचेंगे पत्ता कैसे चल रहा है। तो स्टूडेंट, इनके पाँव वगैरह होते हैं स्मॉल, ठीक है, तो गार्डन सेंटीपीड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर गार्डन वगैरह में रहते हैं। इनकी शेप गार्डन के फूलों दरख्तों की तरह होती है, तो पत्ते की तरह की शेप के होते हैं। ये फूड इनकी क्या है? फूड ये लेते हैं डिकेइंग वेजिटेशन, डिके जो वेजिटेशन होती है, ये उसके ऊपर अपना गुजारा करते हैं। ये पेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स और फ्लावर हैं। पेस्ट कहते हैं डिजीज का आजिंग, जो डिजीज का आज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेट्स। तो स्टूडेंट, ये थी आपकी क्लास प्यूरोपोडा और सिम्फाइला। हिकमैन की बुक से मैं इसकी डायग्राम्स आपको इस वीडियो के साथ ही अटैच कर दूंगा, तो आपने अच्छे तरीके से इनकी वीडियोस देखनी है, ठीक है, और इनकी पिक्स देखनी है, ताकि आपको अंदाज़ा होगा ये जानदार दिखने में किस तरह के होते हैं। तो ये स्टूडेंट क्लासेस प्यूरोपोडा और सिम्फाइला। अल्लाह ताला आपका आमीन नासिर हो। बहुत शुक्रिया।